आज का जो हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक में, कल नेचुरल और सिंथेटिक के बारे में डिस्कस किया था, उनके जो एग्जांपल्स थे उनको फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसमें नेचुरल फाइबर के अंदर आज हम वूल जो है उसको आगे क्लासिफाई करवाएंगे। क्या होता है नेचुरल फाइबर, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल दिया था वूल, ऊन जिसे कहते हैं। वूल जो है वो एनिमल्स जो है, सर्टेन एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स, लाइक इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ द एनिमल्स, फ्लीस ऑफ सर्टेन एनिमल। सर्टेन क्यों कहा, क्योंकि कुछ ही ऐसे हैं जिनकी बॉडी से वूल एक्सट्रैक्ट की जाती है। एनिमल्स लाइक शिप, कैमल, गोट, शिप, कैमल, गोट, याक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें वूल एक्सट्रैक्ट होती है। कैमल, कैमल की कुछ प्रजातियां हैं जिसमें लामा और अल्पक्का आती है, ठीक है, इनसे हमें वूल प्राप्त होती है। वूल क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, फ्लीस। फ्लीस क्या होती है, जो जानवरों के ऊपर की जो लेयर होती है हेयर्स की, उनको फ्लीस कहा जाता है, ठीक है। तो वूल कहाँ से प्राप्त हुई, ये जानवरों की फ्लीस से ली जाती है। और कौन कौन से, वो यहाँ पे सामने आपके एग्जाम्पल्स नोट किए हुए मैंने। वूल जो है, ये जो फ्लीस है जिसको हमने कहा, ये इंसुलेटिंग होती है। क्या होती है फ्लीस, क्या होती है यहाँ पे फ्लीस के बारे में आप, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको क्या कहोगे, दिस इज द थिक कोट ऑफ हेयर्स ऑन एनिमल्स बॉडी, जो कि क्या है, इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग ऑफ हीट, हीट की बैड कंडक्टर है। इसके अंदर से हीट जो है वो बाहर नहीं जा सकती और हमारी बॉडी को कोल्ड वेदर में प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा जो ठंड होती है उससे प्रोटेक्ट करती है फ्लीस। वूल जो है ये फ्लीस की फॉर्म में ही एनिमल से ली जाती है। वूल जो है, जिसको हमने ऊन कहा, ये फ्लीस की फॉर्म में ही जानवरों से ली जाती है। अब जो वूल है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ जो हमारी वूल है, इसके अंदर इसके क्या गुण हैं, तो वूल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप ध्यान से देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वूल जो है बहुत ही बढ़िया फाइबर है यूज करने के लिए, और वूल एक बहुत ही बढ़िया फाइबर है यूज करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल है। प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल बायोडिग्रेडेबल एंड रिनेवेबल मटेरियल, रिनेवेबल मटेरियल है ये, ठीक है। क्यों कह रहे हैं इसको बायोडिग्रेडेबल, यहां मैंने बायोडिग्रेडेबल वर्ड लिखा है। क्यों कहा मैंने इसको, क्योंकि जो वूल है वो डिकम्पोज हो जाती है बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा। बैक्टीरिया जो है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इस वूल को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है ना। और ये डिकम्पोज होके हमारे एनवायरनमेंट के लिए कोई भी खतरा नहीं बनती, कोई हार्म नहीं पहुंचाती, और ये मिट्टी में मिक्स हो जाती है, ब्लैक ह्यूमस कन्वर्ट करती है। तो ये क्या होगी, बायोडिग्रेडेबल। एज वेल एज इसके अंदर एबिलिटी होती है वूल के अंदर कि ये अपने आप को डिग्रेड कर रही है, क्योंकि ये कैसी है,
एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल होती है। इसके साथ साथ ये रिन्यू भी की जा सकती है, रिन्यूएबल फाइबर है, ठीक है। इसको रिप्लेनिश भी किया जा सकता है, इसको रिप्लेनिश भी कर सकते हैं। यूज करने के बाद हम इसको दोबारा से रिनेव करवा सकते हैं, रिप्लेनिश करवा सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम ज्यादा पानी या नाइट्रोजन कंटेंट, आपने देखा होगा जो वूल के अंदर फिल होता है, इसकी वजह से वूल जो है वो फायर नहीं पकड़ती जल्दी से, और डज नॉट मेल्ट, और ना ही क्या होती, मेल्ट होती ड्रिप और इमिट नॉक्सियस फ्यूम, और ना ही कोई फ्यूम्स बनाती। जो वूल है, वूल के जो फाइबर्स हैं उनके अंदर जो स्पेस होता है, वूल के फाइबर्स के बीच में जो स्पेस है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट और एज वेल एज वॉटर कंटेंट होता है। इनकी वजह से फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि जो वूल है वो प्रोटीनियस फाइबर है, तो इसकी वजह से इसमें हाई तो वॉटर कंटेंट होता है एंड N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेंट होने की वजह से वूल जो है वो तुरंत फायर नहीं पकड़ेगी, और अगर आग लगती भी है इससे तो वो मेल्ट नहीं होगी, मेल्ट का मतलब चिपकेगी नहीं, ठीक है। और वो तुरंत किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ऐश में, राख के अंदर प्रॉपर्टी इसकी कन्वर्ट हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, सुटेबल है। क्योंकि हम सिंथेटिक कपड़े अगर पहनते हैं इसकी जगह पे, तो सिंथेटिक कपड़े अगर आग लगती है तो बहुत जल्दी आग को पकड़ के और बॉडी से स्टिक हो जाते, चिपक जाते हैं, ठीक है, तो हमारी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। लेकिन इस केस के अंदर हम ये इतनी ज्यादा नुकसानदायी नहीं है, फायर रेजिस्ट है ये। और इसके साथ साथ जब ये जलती है, वूल अगर जलती भी है तो उसके अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज नहीं होता, एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्सटेंस रिलीज होते हैं। इससे बनने वाली जो ऐश है, राख, वो मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं डिकम्पो उसका मैन्यूर का काम करती है, खाद का काम करती है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसके अंदर पुअर कंडक्टर, या फिर मैंने पहले भी लिखा था ऊपर इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ हीट। इसका मतलब होता है कि जो वूल के फाइबर्स हैं उनके अंदर, वूल के फाइबर्स के बीच में ये फाइबर्स मैंने इस तरीके से शो किए हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस है, इन स्पेस के अंदर एयर ट्रैप होती है, और एयर हीट की बैड कंडक्टर होती है, एयर अपने अंदर से हीट को अलाव नहीं करवाती, तो जो वूल के फाइबर्स हैं उनके बीच में भी एयर ट्रैप होती है, और वही एयर इसकी इसे इंसुलेटर का काम करवाती है, वूल को इंसुलेट बनाती है। इसीलिए आपने देखे होंगे कि जो वुलम फाइबर्स हैं वो हमें सर्दियों में गर्मी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हीट को, वो बॉडी हीट को हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने देते, और हमारी बॉडी की हीट की वजह से ही हमारी बॉडी जो है अंदरूनी गर्म रहती है, क्योंकि बाहर की जो कोल्ड है वो अंदर अलाउ नहीं कर पाती, और अंदर से बॉडी हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारी जो वूल है वो हमें क्या करती है, इंसुलेट करके रखती है, हमें वार्म करके रखती है, गर्म करके रखती है। इसके साथ साथ आपने विंटर, इसके आपने कपड़े भी देखे होंगे, विंटर एप्रल्स भी आप पहनते हैं, गाउन्स होते हैं ना जो लॉन्ग, वो हम डालते हैं, वूल के ही बने होते हैं, क्योंकि वो एयर को अपने अंदर से पास नहीं करवाते। फोर्थ प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज इलास्टिसिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है लंबे समय तक चलना, ठीक है, ये एक लॉन्ग पीरियड तक चलती है, एज वेल एज इलास्टिसिटी, लचीलापन भी होता है इसके अंदर। जो वूल फाइबर है वो लचीला होता है, और उसके अंदर जब हम उसको स्प्रिंग करते हैं, आपने देखा होगा जब वूल को अपन क्या करते हैं, इस तरीके से उसको दबाते हैं तो उसमें स्प्रिंग्स बन जाते हैं इस तरीके से, और दोबारा छोड़ते हैं तो वो ओपन हो गया, ठीक है ना, तो वो स्प्रिंग्स बनाता है, और इसके अंदर कोई भी
खिंचाव नहीं होता, ये लचीला होता है, इलास्टिक होता है और एक लॉन्ग समय तक ये चलता है, लंबे समय तक चलता है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, ड्यूरेबल और इलास्टिक। इलास्टिक है तो हम इसको ये कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, लचीलापन है इसके अंदर, ठीक है। और ये बिना टूटे, हम इसको वूल को, इसकी एक प्रॉपर्टी है इसी इसी वजह से कि इसको बिना ब्रेकअप किए हम इसको 20,000 टाइम इसको क्या कर सकते हैं, बेंट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं और फिर भी ये नहीं टूटती। जबकि आप देखो इसकी जगह पे अगर आप क्या लेते हो कि कोई भी, मैंने ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रही हूँ, इसके अंदर वूल ही है वैसे तो, ऊन है, बट अंदर वाली चीज को अगर हम फोल्ड भी कर रहे हैं, देखो ये क्रिप्स बना रही हूँ मैं, तो इसके अंदर कोई भी क्या नहीं हो रहा है, ये ब्रेकअप नहीं हो रही है अंदर से, बट इसके अंदर वूल फिल है। लेकिन जैसे आप लकड़ी देख रहे हो, अगर इसको मैं फोल्ड करूंगी, देखो इसको अगर मैं फोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ तो आई थिंक ये क्या हो जाएगी, फोल्ड करने पर ब्रेकअप हो सकती है ना। अगर मैं इसको फोल्ड करने की, जिस तरीके से मैंने उसको फोल्ड किया, इसको अगर मैं फोल्ड करूंगी तो ये ब्रेकअप होगी। बट वूल के अंदर प्रॉपर्टी है कि इसको हम 20,000 गुना टाइम भी क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो वो ब्रेकअप नहीं होती, टूटती नहीं है। तो इसी वजह से उसकी इलास्टिसिटी की वजह से, ड्यूरेबिलिटी की वजह से, इसके साथ साथ एब्जॉर्बेंसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, एब्जॉर्बेंसी का मतलब क्या होता है, सोखना। आपकी जो वूल है वो मोस्ट वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, ठीक है। और जितना जल्दी सोखती है उतनी जल्दी रिटेन भी कर देती है, अपने अंदर से ड्रेन आउट भी कर देती है उसको, ठीक है। और इसीलिए आपने देखे होंगे कि जो विक्स होते हैं उनमें मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाता है, एंड कीपिंग द पर्सन गर्म, जैसे अपन नहीं यूज करते हैं गर्म सर्दियों के अंदर विक्स टाइप के, वो क्यों यूज किए जाते हैं, उनमें बहुत जल्दी गर्माहट आ जाती है और बहुत जल्दी क्या है, वो काफी समय तक उसके अंदर वो गर्माहट बनी रहती है और आफ्टर दैट हम उससे बॉडी को वार्म करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं बिना उसका गीला महसूस हुए, हमें गीला भी नहीं महसूस होगा और ये भी होगा कि वो वार्म भी है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत जल्दी वाटर को। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि इजीली ड्राई, मैंने इसी में ही डिस्कस कर दिया, वैसे आप लिख सकते हो इजीली ड्राई, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, सूख जाती है, क्यों, क्योंकि वाटर को अपने अंदर से इजीली ड्रेन भी कर सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी कि इट इज सॉफ्ट, कैसी है ये, सॉफ्ट फाइबर है, सॉफ्ट है ये, हाँ बेटा क्या हुआ कंचन, सॉफ्ट फाइबर है। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई, एक तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट के साथ में क्या है, ये डाई इन इजिली डिफरेंट कलर, डाई इजिली इन डिफरेंट कलर। वूल जो है उसका जो नेचुरल कलर है वो ब्राउन, व्हाइट और ब्लैकिश ही होता है, बट इसके अलावा उसके कई कलर्स के हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, आपने देखे होंगे क्लोथिंग्स पहनते हैं, तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि वो इजीली डाई हो जाता है, कलर हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा वूल जो है रजिस्ट टू एसिड्स एंड अल्कलीज, ये लिख सकते हैं रजिस्ट टू एसिड्स, एसिड्स का वूल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इवन दैट अल्कलीज, अल्कलीज क्या होते हैं, जो बेस होते हैं वाटर सोल्यूबल बेस, उनका भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ये वूल को डिस्ट्रॉय। लेकिन कुछ जो मोस्टली के बारे में बात किया है, सारे नहीं हो सकते, कुछ जो फाइबर्स हैं वो क्या कर जाते हैं, सॉरी केमिकल्स जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इसकी, सनलाइट के अंदर अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये इजिली हीट को, सॉरी वाटर एब्जॉर्बेंट जो पॉइंट है उनको बाहर निकाल देती है। और लास्ट एंड फाइनल इसकी प्रॉपर्टी है कि जब हम वूल को बंद करते हैं तो इसमें मीट जैसी स्मेल आती है, वूल बर्न एट स्लो रेट एंड स्मेल लाइक
हेयर बर्निंग, सॉरी मीट बोला मैंने, हेयर बर्निंग, लाइक बर्निंग हेयर, जैसे बाल जलते हैं वैसी स्मेल आती है। एंड ये जो है सेल्फ एक्सटिंग्विशर, अपने आप ही क्या हो जाती है, बुझ जाती है इसकी राख, किसी को बुझानी नहीं पड़ती, सेल्फ एक्सटिंग्विश मटेरियल है। फाइबर, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी इसके ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ, इसके बारे में जो इसकी जो वूल यील्डिंग एनिमल्स है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट